मित्रों को नमस्कार। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हो रही है, इसमें पूरे देश से सभी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, एक दो को छोड़कर करके, कुछ इनकी निजी कारण नहीं होगी। सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, प्रांतों के अध्यक्ष सभी और केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री सभी उपस्थित हैं। मैं आपके सामने, जैसा अनिल बलूनी जी ने बताया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का जो उद्घाटन भाषण हुआ आज की कार्यकारिणी में, उसके मुख्य अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। Honorable, the party president exhorted all the member of the national executive to be ready with full commitment to ensure that the BJP wins all the 9 assembly polls scheduled for 2023 as a prelude to 2024 Lok Sabha elections. We have not to lose. We have not to lose any state. ये उन्होंने बहुत साफ साफ कहा। और स्वाभाविक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ी बॉडी है पार्टी, पूरे देश के प्रमुख नेता बैठते हैं, तो ये उनका स्पष्ट संदेश था। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, इंडिया हैज बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सरपासिंग इवन इंग्लैंड। भारत मोबाइल प्रोडक्शन की दुनिया में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। पहले जो एक्सपोर्ट होता था वो आप जानते हैं कि मोबाइल उत्पादन की क्या स्थिति होती थी। आज 95% मोबाइल कंज्यूम्ड इन इंडिया इज बीइंग मेड इन इंडिया, और यहां से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एप्पल हो, सैमसंग हो, बाकी हो, तो बाहर जो पहले 14 में खाली इंपोर्ट होता था, आज भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। तीसरा उदाहरण है
कार मैन्युफैक्चरिंग का। आज भारत जापान को छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया, स्टार्टअप में वर्ल्ड का फोर्थ है। ये सब बातें वही कही जा रही हैं जो 14 में मोदी जी के आने के बाद हुआ कि भारत को विकसित बनाना है, भारत का सम्मान करना है। तो कोई पहले की बात नहीं कही जा रही है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस देख लीजिए, मेड इन इंडिया रोज चल रही है नई नई जगह पर। कल ही पीएम ने उद्घाटन किया उसका। वंदे भारत कहां बनती, वंदे भारत कहां बनती है, जो चेन्नई में बनती है और कुछ राजस्थान में बनती है। तो क्या ट्रेन, क्या मोबाइल, क्या यूपीआई फिनटेक मूवमेंट, वर्ल्ड का 40% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होता है यूपीआई के माध्यम से होता है। तो ये जो चार पांच चीजें अध्यक्ष जी ने हाईलाइट की, और मैं बहुत विनम्रता से अपने पत्रकार मित्रों को कहूंगा, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। जस्ट टू रिपीट, भारत की अर्थव्यवस्था आज इंग्लैंड से आगे निकल गई, फिफ्थ बिगेस्ट इकॉनमी। भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का सेकंड हो गया, भारत का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का थर्ड हो गया, भारत का फिनटेक मूवमेंट 40% डिजिटल पेमेंट, भारत मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया के प्रति आह्वान और एक विकसित भारत बढ़ने की ओर का संकल्प वो दिखाई पड़ता है। तो अध्यक्ष जी ने उसका बहुत से, हां उन्होंने एक और बात कही, डिफेंस डील जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे जिनको मजबूत करने की का फैसला हुआ। बीजेपी बीइंग ए कार्डर बेस्ड पार्टी एंड ऑल्सो विद एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स, द पीएम हैड गिवन ए मैंडेट दैट वी मस्ट आइडेंटिफाई वीक बूथ्स 100 इन ईच लोकसभा एंड स्ट्रेंथन इज बाय एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटरीच एट द बूथ लेवल। In all, 72,000 booths were identified, and today, Honorable President conveyed in his address that 1,30,000 booths were reached. तो ये दो महत्वपूर्ण बात थी, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं, 13 फरवरी को कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, सरकार का भी सहयोग रहेगा, प्रोत्साहन रहेगा, संभवतः प्रधानमंत्री भी जाएंगे इसमें। उन्होंने दयानंद सरस्वती के 2-3 उपदेशों को याद दिलाया, जिसका सबसे प्रमुख था अंतिम स्तर पर खड़े व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए, द लास्ट माइल marginalized man individual must be addressed, his concerns must be addressed. कि more than 100% आजकल export हो रहे हैं और पूरा बाहर से आने पर बहुत कमी आई है, कुछ special technological क्षेत्र को छोड़ दीजिए। और पहले क्या था, every defense deal has a deal within it with commission at the court, अब ऐसा सुनने में नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही गई। उन्होंने एक और बात कही कि नेशनल हाईवे
12 किलोमीटर पर डे से 37 किलोमीटर पर डे हो गए और बॉर्डर रोड 3600 किलोमीटर बने हैं, 3600 किलोमीटर। और बॉर्डर रोड में बताना जरूरी, जो अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें बॉर्डर रोड्स नहीं बनानी है क्योंकि बॉर्डर रोड बनाने से टेंशन होता है, और आज देखिए 3600 किलोमीटर बॉर्डर रोड बन गया। तो मित्रों, और जो सारी बातें प्रमुख बातें हम आपके सामने हाईलाइट कर रहे हैं, अध्यक्ष जी ने आगे कहा सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, तो हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। आज भारत की राष्ट्रपति एक बहुत ही संभ्रांत आदिवासी सुशिक्षित नेत्री हैं जिनको पहली बार उस बड़े संवैधानिक पद पर स्थान मिला है। आज राज्यपाल ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं। आज केंद्रीय मंत्री बड़ी संख्या में ओबीसी एससी एनएसटी हैं। हमें एससी एसटी का वोट हमें काफी मिलता है, हमारे एमपी एमएलए जीतते हैं, हमने उनको सम्मान भी दिया है और ये पहली बार हुआ है। तो सभी वर्गों का सम्मान जो करने की बात है, तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। पहली बात यह है कि हर घर तिरंगा एक कार्यक्रम हुआ था। आपको जानकर खुशी होगी कि 4,15,00,000 घरों में तिरंगा लगाया गया, 4,15,00,000 घरों में। और इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेशों में इसे बहुत उत्साह से मनाया गया। तो इन ए वे इट इज ए ग्रेट मेनी स्ट्रीमिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद इंडिया, ये बड़ी बात है। और स्वयं प्रधानमंत्री ये 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, आप जानते ही हैं, बाकी मंत्री भी जाते हैं। और सेवा भाव में जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स के अलावा सेवा का काम कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप, बाकी कैंप सबका उन्होंने डिटेल दिया, और जिस तरह से कोविड काल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की, हम सब लगे हुए थे। तो ये बड़ी बात है कि सेवा भाव भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी प्रामाणिकता से करें। अध्यक्ष जी ने भारत की विरासत के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, ये बहुत संतोष का विषय है, एक भव्य राम मंदिर बनेगा वहां पर। तो ये पूर्णता है, और वैसे भी राम मंदिर के साथ मेरा स्वयं का एक भावुक लगाव होता है, रामलला के वकील के रूप में जब भी, तो जल्दी बने तो अच्छा लगता है।